सिल्क रूट, जहां से माय गुडनेस व्हाट अ व्यू मैन, जस्ट कम ऑन। ये देखो पूरा ये सीन दिखाई दे रहा है, zigzag जा रहा है होए कंचनजंगा, और ये इज अ व्यू पॉइंट ऑफ कंचनजंगा। यार लेट मी पुट ऑन माय हुडी, कान से नाक से आंख से जो छेद खुला हुआ है, इसके अंदर बर्फ है, माई गुडनेस इसके अंदर बर्फ है। क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, कितना पैसा लगता है, कितना खर्चा होता है ये जुलूक आने के लिए? प्रवीज भाई, ये जो जुलूक जाने का जो परमिशन गैंगटॉक और रंगली बाजार से मिलता है ना, और दूसरे कहाँ से मिलता है क्या? ये दोनों जगह से मिलते हैं सिर्फ। ओके चलो कन्फर्म हो गया, परमिशन के लगता है 500 rupees फॉर ईच कार। एक गाड़ी में एक रहो, पाँच रहो, छः रहो, हम लोग पाँच छः ग्रुप में, तो पाँच के लिए भी 500, एक के लिए भी 500, राइट? इज द ब्यूटिफुल थम्बी वैली ओवर हियर, यस ग्रेट मैन। वो सामने पहाड़ में चाइनीज लोग रहते हैं, चाइनीज मिलिट्री का कैंप है, वो लोग दूरबीन लगा के यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, ये जो रोड को ऑब्जर्व करते हैं, तो इसीलिए इंडियन आर्मी के तरफ से यहाँ पर लिखा गया है यू आर अंडर एनिमी ऑब्जर्वेशन, और ये नो फ्लाइंग ड्रोन जोन है, ड्रोन भी उड़ा नहीं सकते। वाओ लुक एट द, ये है बाबा मंदिर का बाबा का तस्वीर, हरभजन सिंह जी का। दोस्तों फाइनली मैं जा रहा हूँ जुलूक, जुलूक जाने के लिए पदमचिन मेरे ये होम स्टे में कल मैं आया था, वहाँ से पैकअप मैं करके गाड़ी में उठ रहा हूँ, तो यहाँ से एग्जैक्टली जुलूक तक पहुँचने के लिए लगेगा आधा घंटा 30 मिनट, बट यहाँ से जुलूक का जो साइट सीन्स है, जो बहुत ही ठंड एंड जबरदस्त साइट सीन के लिए जुलूक फेमस है, वहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ा और समय लगेगा, साइट सीन उससे भी ऊपर है। सो गाइस आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम रीचिंग माई फाइनल डेस्टिनेशन, सो है जुलूक। तो यहाँ से जुलूक कैसे जाएंगे, कितना खर्चा होगा, क्या क्या देखने का जगह है, पूरा डिटेल्स भाई इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो अगर जुलूक के बारे में A to Z ऑल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो भाई ये ट्रिप अच्छे तरह से देखो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, क्या परमिशन के लिए हम लोगों ने क्या क्या किया, कितना पैसा पे किया परमिशन के लिए, ऑल डिटेल्स विल बी गिवन शॉर्टली। सो गाइस मेरा गाड़ी है रेडी, मैं हूँ रेडी, मेरा ड्राइवर देख सकते हो रेडी हो चुका, ही इज़ वेरी मच एक्साइटेड, मैं भी हूँ बहुत एक्साइटेड। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम पहुंचते हैं जुलूक। दोस्तों ऑलरेडी हम लोग पहुंच चुके हैं जुलूक के विलेज गांव में, और यहाँ पर देख सकते हो ये पूरा आर्मी का कैंप है, आर्मी का बेस कैंप है ये सब। सो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली जा रहे हैं जुलूक, जुलूक पहुंच चुके हैं, पर साइट सीन भी दूर है, पर ये है आर्मी का बेस कैंप। वाह व्हाट अ ब्यूटी, पूरा देखिए चारों तरफ हरे भरे पहाड़, कितने ऊपर, लगभग कितने 9400 फीट ऊपर हम लोग आ चुके हैं। ये खूबसूरत गांव देखिए, ये जुलूक का विलेज है, ये छोटे छोटे जो कलरफुल छोटे छोटे आप लोग घर देख रहे हो ना, यहाँ पर गांव वाले हैं। कितना खूबसूरत जगह, पहाड़ के इतने ऊपर, पूरा नीचे खाई के साइड से हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा सा डर भी लग रहा है, बट फीलिंग डैम एक्साइटेड मैन। वाओ देखिए, जस्ट देखिए पूरा कितना खतरनाक खाई है भाई, जस्ट व्यू, जस्ट लुक एट द व्यू, कोई शब्द नहीं टू एक्सप्लेन। जुलूक के बारे में आने से पहले बहुत इंफॉर्मेशन लिए थे, जो लोग आए थे वो लोग एक बात सिर्फ बोले थे, जुलूक इज फुल पैकेज ऑफ कम्प्लीटली नेचुरल ब्यूटी, और आकर यहाँ पर मालूम चल गया कि जुलूक इतना फेमस है टूरिज्म के लिहाज से। तो भाई जुलूक पे तो एक बार आना ही चाहिए आप लोगों को, अगर आप नेचर को प्यार करते हो। दोस्तों ये दुनिया का फेमस सिल्क रूट का जिगजैग रोड, वन टाइप ऑफ, तो इस रोड से वंस अपॉन अ टाइम बहुत साल पहले, कई सैकड़ों साल पहले, तिब्बत चाइना से लोग इंडिया तक आते थे, इंडिया से चाइना तिब्बत लोग जाते थे इसी
सिल्क रूट से, इसको बोला जाता है सिल्क ट्रेड रूट, और वही इस रूट से अभी मैं जा रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ। जैसे सोचिए हज़ारों साल पहले जब लोग यहाँ से ही, चाइनीज़ लोग, तिब्बत के लोग, भारतीय लोग यहाँ से ही एक देश से दूसरे देश जाते थे इसी रास्ते से, अभी वही रास्ते से, वही ज़िगज़ैग सिल्क रूट से मैं जा रहा हूँ मेरे डेस्टिनेशन जुलुक में। जुलुक में तो फिलहाल मैं पहुँच चुका हूँ, जा रहा हूँ साइट सीन देखने के लिए, जुलुक का जो फेमस है सिल्क रोड व्यू पॉइंट वो एक्सप्लोर करने के लिए। फाइनली दोस्तों मैं पहुंच गया हूँ ज़िगज़ैग व्यू पॉइंट में। प्रवीज भाई इधर से जाना है, उधर से, इधर नीचे से, नीचे से अभी जा रहा हूँ ज़िगज़ैग व्यू पॉइंट देखने के लिए, सिल्क रोड का जो फेमस व्यू पॉइंट है। जस्ट वाओ, अमेजिंग, जस्ट मैन लुक एट द व्यू, जस्ट लुक एट द व्यू, जिसको बोला जाता है दुनिया का सबसे फेमस सिल्क रूट, जहाँ से माई गुडनेस व्हाट अ व्यू मैन, जस्ट कम ऑन। ये देखो पूरा ये सीन दिखाई दे रहा है, zigzag जा रहा है, ये दुनिया का सिल्क रूट है भाई, ये पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है जगह, ये व्यू पॉइंट जिसके लिए मैं कितने महीनों से इंतजार कर रहा था, और आज अभी वो फेमस सिल्क रूट zigzag व्यू पॉइंट में मैं खड़ा होकर ये zigzag ये सिल्क रूट व्यू पॉइंट को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अमेजिंग, वो है जुलुक का पूरा गांव का कस्बा, गांव का जो लोकल एरिया है, और ये पूरा सिल्क रूट का व्यू है। जस्ट नीचे से देखो, जस्ट लुक एट द, नीचे से देखो, नीचे से कैसे आ रहा है, पूरा सांप की तरह इधर उधर करके आ रहा है, ये सिल्क रूट का ज़िगज़ैग पॉइंट, राइट, सिल्क रूट का ये ज़िगज़ैग रोड। अमेजिंग गाइस, कुछ शब्द नहीं है, जस्ट फील करो, जस्ट महसूस करो, चारों तरफ एक खामोशियाँ यहाँ पर देख सकते हो, अमेजिंग क्लाउडी एटमोसफियर, यहाँ पर देखो मेघ भी आ रहा है, यहाँ पर फीलिंग सो ग्रेट मैन, सो ग्रेट। यहाँ पे आधा घंटा ऑलमोस्ट मैंने स्पेंड किया ज़िगज़ैग रूट को एक्सप्लोर करने के बाद, अभी इसके ठीक दूसरे साइड में है कंचनजंगा व्यू पॉइंट, दूसरे साइड में कंचनजंगा व्यू पॉइंट है ना। ओके, फॉग आ रहा है तो प्रवीज बोल रहे हैं जल्दी जल्दी देखने के लिए कि कंचनजंगा बहुत अनप्रडिक्टेबल है, फॉग आ रहा है, धुंध आ रहा है, तो उसके बाद कंचनजंगा को ठीक तरह से देखा नहीं जाएगा। जस्ट अमेजिंग, जस्ट कूल, वो है कंचनजंगा का, कंचनजंगा को देखिए, पूरा क्लियर व्यू है कंचनजंगा का, एकदम टॉप ऑफ द हिल, ग्लेशियर्स, कंचनजंगा का ये खूबसूरती, भाई गॉड क्या बोलूँ, हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन। अच्छी तरह से देखो, फील करो, ऐसा मौका, ऐसा खूबसूरती हर वक्त नहीं मिलता है, माई गॉड, नेचर, जस्ट नेचर, जस्ट रॉक्स, एकदम पहाड़ के बीच में ठीक ऊपर बादल, ज़िगज़ैग रूट हुए कंचनजंगा, और ये इज़ अ व्यू पॉइंट ऑफ कंचनजंगा, यहाँ से जस्ट एक्सप्लोरिंग। भाई आपको कैसे लग रहा है पता नहीं चल रहा है मुझको, कैमरा से देख रहा हूँ, बट जो खाली आँख से मैं यहाँ पर डायरेक्टली बैठ कर खड़े होकर मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ ना, क्या लग रहा है भाई, क्या ज़बरदस्त लग रहा है, व्हाट अ अमेजिंग फीलिंग टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द कंचनजंगा, बहुत अच्छा लग रहा है भाई। इसके बाद आपको मैं बोलने जा रहा हूँ, बोलूँगा यहाँ तक आने के लिए क्या परमिट चाहिए, परमिशन लगेगा यहाँ पर, डॉक्यूमेंट्स, पैसा कितना लगता है, पूरा डिटेल्स भी मैं आपको दे रहा हूँ, थोड़ा सा मैं देख लूँ, सांस ले लूँ।
सो भाई ये खूबसूरत ये जन्नत जैसे जगह को लगभग एक से डेढ़ घंटा एक्सप्लोर करने के बाद ये महान सिल्क रूट और कंचनजंगा को एक्सप्लोर करने के बाद अभी थोड़ा सा फॉग आ चुका है, अभी जाने का टाइम है। नाउ हम लोग का नेक्स्ट डेस्टिनेशन अनदर व्यू पॉइंट है, अनदर खूबसूरत जगह है। सो गाइस चलो वीडियो को यहाँ से मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, गाड़ी में बैठकर आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कैसे यहाँ तक आ सकते हो, क्या क्या परमिशन क्या क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, कितना खर्चा होता है। तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं जाते जाते। दोस्तों अभी आप लोगों के साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ वो है क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, कितना पैसा लगता है, कितना खर्चा होता है ये जुलूक आने के लिए, और ये जो जिगजैग पॉइंट है, ये सिल्क रोड है, ये एक्सप्लोर करने के लिए क्या क्या लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कहाँ से लीगल डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करके परमिशन लोगे और कितना खर्चा आता है, पूरा इन्फॉर्मेशन अभी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, तो पहले तो देखो इसके लिए एक लीगल परमिशन चाहिए गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम से, आप ऐसे ही यहाँ पर आ नहीं सकते हो क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, क्योंकि यहाँ पर सामने ही इंडिया चाइना बॉर्डर है। द फर्स्ट थिंग, राइट, तो डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपका ओरिजिनल वोटर कार्ड होगा तो फाइन, अगर नहीं भी होगा जेरोक्स भी चलेगा, बस साथ में मैं प्रेफर करता हूँ आप साथ में ओरिजिनल वोटर कार्ड आपके साथ रखिए। राइट, वोटर कार्ड का जेरोक्स चाहिए, यहाँ पर आधार माधार कुछ भी नहीं चलता है, वोटर कार्ड ही चलता है यहाँ पर, तो वोटर कार्ड रखिए और पासपोर्ट अगर होगा तो पासपोर्ट भी चल सकता है यहाँ पर, और आपका कलर फोटो। राइट, तो जब सिक्किम में आ रहे हो इस साइड में आप चार पाँच जेरोक्स रख लो आपका वोटर कार्ड का, और साथ में चार पाँच फोटो भी लगो कभी यहाँ पर, यहाँ पर देख सकते इतना सुनसान जगह है, यहाँ पर ऐसे ही से कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आने के परमिशन मिलते हैं दो तीन जगह से, पहले तो जगह गैंगटॉक से मिल सकता है, और दूसरा हम लोग गैंगटॉक नहीं गए थे तो गैंगटॉक से हम लोग परमिशन नहीं लिए थे, हम लोगों ने परमिशन करवाया था रंगली बाज़ार से। राइट, अच्छा प्रवीज भाई ये जो जुलूक जाने का जो परमिशन गैंगटॉक और रंगली बाज़ार से ही मिलता है ना, और दूसरे कहाँ से मिलता है क्या, ये दोनों जगह से मिलते हैं सिर्फ? ओके चलो कन्फर्म हो गया, आइधर आप गैंगटॉक से लेना पड़ेगा, दूसरा रंगली बाज़ार से आपको मिलेगा ये परमिशन। तो आप जो ड्राइवर से कैसे आओगे किसी के से उसको बोलोगे, वो लोग को सब कुछ पता है, दे विल हेल्प यू आउट, बट इसके लिए खर्चा भी लगता है, ये फ्री में परमिशन नहीं मिलता है, परमिशन के लगता है 500 rupees फॉर ईच कार, एक गाड़ी में एक रहो, पाँच रहो, छः रहो, हम लोग पाँच छः ग्रुप में, तो पाँच के लिए भी 500, एक के लिए भी 500। राइट, सो पर कार एक कार के लिए 500 लोग चार्ज करते हैं। राइट, ये ओवरऑल मोटा मोटी आइडिया मैं आपको देने की कोशिश किया, तो अगर इस ना यहाँ पर आना चाहो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे, कितना खर्चा आएगा। हाँ, और जिस दिन आना चाह रहे हो आप उसके एक दिन पहले कितने दिन पहले परमिशन लेना पड़ता है प्रवीज भाई, एक दो दिन पहले? हाँ, अच्छा एक ही दिन में भी हो सकता है, अच्छा अगर आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी आओगे तो एक दिन पहले भी मिल सकता है, पर मेरा सजेशन है भाई जाओ जिस दिन आप आओगे उसके एक दिन पहले ही आप ले लो परमिशन, इससे क्या होगा आपको हेडेक नहीं रहता, इस आने का जो फ्लेवर बजा रहता है क्योंकि परमिशन लेने के लिए एक घंटा डेढ़ घंटा लग ही जाता है। राइट, सो परमिशन एक दिन पहले ले लो, नेक्स्ट दिन आ जाओ तो इट विल बी अ कूल जर्नी। राइट, 500 rupees वोटर कार्ड, और हाँ बच्चे के लिए अगर कोई बच्चा आपके साथ है जिसका वोटर कार्ड नहीं है तो उसके लिए आधार कार्ड चलेगा, और एकदम छोटा बच्चा है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट भी चलेगा। राइट, ये दोनों चलेगा बच्चे के लिए अगर अंडर 18 है। तो ये था ओवरऑल मोटा मोटी आइडिया अबाउट ऑल द लीगल प्रोसीजर। अभी मैं आ चुका हूँ नतांग वैली में, और नतांग वैली का अनफॉर्चुनेटली जो प्रॉब्लम हुआ यहाँ पर फॉग है, तो दिखा दो फॉग पे है तो कुछ दिखे, फॉग अगर नहीं होता तो कैसा लगता है? ओ माय गुडनेस, जस्ट देखो यहाँ पर आपको दिखा दो, जो फॉग अगर नहीं रहता तो कैसा लगता है, ऐसा लगता है नतांग वैली का व्यू, पर अनफॉर्चुनेटली थंबी है, ये थंबी वैली है, सॉरी ये थंबी वैली है, माफ कर दी, थंबी वैली है, थंबी वैली का व्यू है ये, पर अगर फॉग है तो इसीलिए अभी फॉग के लिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर देखो बैठने की जगह पर बहुत ही खतरनाक जगह है बैठने के लिए भाई, अगर बैठोगे कोई रेलिंग वेलिंग नहीं दिया गया है, झट से गिर जाओगे तो सट से पूरा नीचे, भाई गुडनेस भाई, बहुत रिस्क है यहाँ पर, बट फीलिंग अमेजिंग ओवर हियर। राइट, तो चलिए यहाँ पर इस फॉग को ही एंजॉय करते हैं भाई, नेचर तो कम्प्लीटली अनप्रिडिक्टेबल है, ऐसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते तो ये होगा वो होगा नहीं होगा फलाना थकाना, जैसा है ऐसे ही फॉग को एंजॉय करते हैं थंबी वैली को, दिस इज द ब्यूटिफुल थंबी वैली ओवर हियर, यस ग्रेट मैन। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा बैठते हैं, थोड़ा सा चिल मारते हैं, और गिर तो नहीं जाएगा ना, ओके तो थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। हाय,
यहाँ पर जाते जाते खतरनाक सा बोर्ड देखा मैंने, वहाँ पर लिखा हुआ था यू आर अंडर एनिमी ऑब्जर्वेशन। तो प्रभास भाई से पूछा, भाई इसका मतलब क्या है? उसने बोला वो सामने पहाड़ में चाइनीज लोग रहते हैं, चाइनीज मिलिट्री का कैंप है, वो लोग दूरबीन मुरबीन लगा के यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, ये जो रोड को ऑब्जर्व करते हैं, तो इसीलिए इंडियन आर्मी के तरफ से यहाँ पर लिखा गया है यू आर अंडर एनिमी ऑब्जर्वेशन। और ये नो फ्लाइंग ड्रोन जोन है, ड्रोन भी उड़ा नहीं सकते। ओ वाओ, लुक एट द बर्फ 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 स्नो यहाँ पर भैया। सो गाइस, तो ये एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, एनिमी चाइनीज लोग उस पहाड़ में चाइनीज लोग रहते हैं और वहाँ से ये रास्ते को पूरा वो लोग ऑब्जर्व करते हैं, है ना, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट। दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं ओल्ड बाबा मंदिर। ये ओल्ड बाबा मंदिर का अंदर का सीन। सो दिस इज द ओल्ड बाबा मंदिर का प्रीमाइसिस। तो यहाँ पर ये बाबा मंदिर देख सकते हो, बट बाबा मंदिर का हिस्ट्री थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बोल देते मेरे ज्ञान में जो है। सो ये ओल्ड हरभजन बाबा मंदिर, जो हरभजन सिंह उसका नाम था, तो ये सर इंडियन आर्मी में ही यूज्ड टू वर्क, वो काम करते थे, राइट, इंडियन आर्मी जवान था। तो सामो एक्सीडेंटली उसका देहांत हो गया, तो उसके बाद ये माना जाता है उसके बाद उस मर जाने के बाद भी वो इस सेना में ड्यूटी कर रहे हैं, इसलिए इंडियन आर्मी से उसको पूरा जो सम्मान दिया जाता है, रेस्पेक्ट दिए, सैलरी पेंशन सब कुछ दिया जाता है। ये है बाबा मंदिर का बाबा का तस्वीर, हरभजन सिंह जी का देख सकते हो। ये एक बहुत ही अलौकिक, बहुत ही एक रिस्पेक्टफुल, क्या बोलूँ, जस्ट लाइक परमात्मा का ही अंश है जिसने स्टील इंडियन आर्मी को सर्व कर रहे हैं। सर जी, सर जी, ओके ओके, ठीक है सर जी। सर जी ने जो मैंने हिस्ट्री में पढ़ा, तो कुछ अलग अलग सा हो सकता है, बट मोटा मोटी बात यही है बाबा मंदिर का सीन। ये देखो, ये एक बाबा मंदिर का एक ये सीन है, अलग से ऊपर का भी एक अलग से सीन है हरभजन मंदिर। सो एक बहुत ही कमाल का, ये ना, जो दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं बाबा मंदिर का, एक अलौकिक शक्ति को महसूस करने के लिए आते हैं, कैसे पॉसिबल है? मीन्स ये लोग बाबा मंदिर के जो बाबा का जो आत्मा हो, इंडियन आर्मी के जवान पर कोई अगर सपोज मान लीजिए बर्फ़ में कोई फंस गया, कोई अगर दुश्मन ने कहीं से हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सपने में आते हैं और अब आर्मी के जो जवान को वो बताते हैं जो क्या हुआ कैसा नहीं हुआ, डिटेल्स देते हैं। तो इसीलिए इसका इतना रिस्पेक्टफुल जगह है, एक फेथ, एक ट्रस्ट है इस ओल्ड बाबा मंदिर का, जो हरभजन बाबा के ऊपर में। बाबा मंदिर के पास ही एक छोटा कैफेटेरिया है, अगर आप चाय बिस्किट कुछ स्नैक्स खाना चाहते हो तो यहाँ पर आकर आप खा सकते हो। तो यहाँ पर मिलते हैं कॉफ़ी, ये स्नैक्स देखते हैं यहाँ पर खाने के लिए क्या क्या मिलता है, भूख ज़बरदस्त लगा है। बाबा मंदिर एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग का जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन हम लोग आ चुके हैं, दैट इज़ द एलिफेंट लेक, और इसके कुपूप लेक भी बोला जाता है। ओके, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर आप ज़्यादा नीचे जा नहीं सकते हो, यहाँ से व्यू देख सकते हो, बट व्यू भी बहुत गजब सा है, चारों तरफ बर्फ़ है और पूरा वादियों के बीच में एक खूबसूरत सा लेक है। लेक का पानी भी थोड़ा थोड़ा जम भी चुका है, और क्यों इसके परमिशन नहीं मिलते, आर्मी वाले का बेस कैंप है सामने ही, थोड़ा सा दूर से दिखा दो आपको, आर्मी का कैंप है इसलिए वो लोग परमिशन नहीं देते नीचे जाने के लिए, सो नीचे नहीं जा रहे। इधर से ही हम लोग ये सीन एक्सप्लोर कर रहे, दूर कहीं वहाँ दूर यहाँ पर आर्मी का कैंप लगा हुआ है, देख सकते आर्मी वाले रहते हैं वहाँ पर, तो ज़्यादा पास नहीं जाने दे रहे, जाना भी बहुत डिफ़िकल्ट है, नीचे चले जा, नीचे तो चले जाओगे बट उसके बाद वापस आना ये नेक्स्ट टू वेरी मच डिफ़िकल्ट है। यहाँ पर जो हवा का दबाव कम है, ऑक्सीजन कम है, थोड़ा बात करने से ही थोड़ा सा सांस में तकलीफ हो रहा है, ऐसे जगह में बहुत खूबसूरत है, पॉल्यूशन ऑलमोस्ट ज़ीरो लेवल है,
ओके ठीक है, एकदम बादल के ऊपर। आज सनशाइन वेदर है, लास्ट दो तीन दिन से वेदर इतना बुरा था, चारों तरफ फॉग एंड फॉग। टुडे वी आर वेरी मच एक्साइटेड, वी आर एंजॉइंग द कुपू प्लेप और एलिफेंट लेक। इसके बाद यहाँ से 40 मिनट जाओगे तो फेमस छांगू लेक पड़ता है, पर छांगू लेक आज इधर से जाना है नहीं जाना है नॉट येट डिसाइडेड। क्योंकि इसके कारण भी है, क्योंकि 2-3 साल पहले मैं जब सिक्किम आया था, गैंगटॉक आया था, तभी मैं छांगू लेक को एक्सप्लोर करके गया था। तो भाई वहाँ पर जाए ना जाए अभी तक मन नहीं बना है, अगर मन होगा तो जाएंगे, नहीं मन होगा तो नहीं जाएंगे। तो कुकुप लेक के सामने, एलिफेंट लेक के सामने कुछ देर बैठेंगे, कुछ देर स्पेंड करेंगे। हम लोग इधर कुछ और भी टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं टू एक्सप्लोर द कुपुप लेक, एलिफेंट लेक। तो चलिए गाइस व्यू को एंजॉय करते हैं, व्यू को थोड़ा सा फील करते हैं। जबरदस्त हवा चल रही है भाई, इतना ठंड लग रहा है क्या बोलूँ। तो मैं, मेरा हुडी कहाँ है, लेट मी पुट ऑन माय हुडी। कान से, नाक से, आँख से जो जो छेद खुला हुआ है, इसके अंदर बर्फ है भाई, गुडनेस इसके अंदर बर्फ है, अंदर में हवा जा रहा है भाई, उल्टा ठंड लग रहा है, भीग गया पानी में, बर्फ से खेल रहा था। ओहो अंदर चला गया बर्फ, तो अंदर चला गया बर्फ, जबरदस्त हवा दे रहा है। बट एक चीज़ मुझको बहुत बुरा लगता है भाई, टूरिस्ट डेस्टिनेशन आके भाई क्यों गंदगी फेंक, तो देखो यहाँ पर शराब की बोतल ये लोग यहाँ पर फेंक के गया है। भाई कौन सा इंसान है यार, इतना खूबसूरत जगह पर आकर गंदगी को छोड़ कर यहाँ पर जाते हैं, व्हाट काइंड ऑफ मेंटेलिटी इज इट। तो ठीक है चलो कुछ देर यहाँ पर बैठते हैं। शाम के ऑलरेडी 6-6:30 बज चुके हैं, आई हैव बिकम डैम टायर्ड। सो गाइस ज़ुलुक का पूरा ट्रिप खत्म करके मैं आ चुका हूँ एक नया होम स्टे में, दिस इज आवर होम स्टे। और ये जगह है रोलेप, एकदम नदी के सामने, तीस्ता रिवर के सामने, अमेजिंग लोकेशन है। बट अभी रात हो चुका है इसलिए मैं दिखा नहीं सकता हूँ, तो सुबह को दिखाएंगे। तो ज़ुलुक वाला ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर जाना, और अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा। आई हैव बिकम टू मच टायर्ड, खाने को ज़्यादा कुछ नहीं मिला था। सो गाइस व्लॉग के ऊपर ख़त्म करते हूँ, सी यू, गुड बाय।